हेलो सर्वे यात्री, इस वीडियो में हम आईबीएम को सबमिट करने के लिए अनिवार्य डेटा आउटपुट और फॉर्मेट्स के बारे में सर्च करेंगे। ये आईबीएम सीरीज का तीसरा वीडियो है। अगर आप इस सीरीज का पिछले वीडियोस नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए और फिर इस वीडियो को जारी रख सकते हैं। ये एसओपी फ्लाइट के दौरान, फ्लाइट के पहले और फ्लाइट के बाद सुरक्षा जरूर करने के लिए पायलट को गाइडलाइंस बताते हैं। पट्टेदार को पिछले फाइनेंशियल वर्ष के लिए डेटा आउटपुट के साथ आईबीएम को आउटपुट सबमिट करना होगा। सबमिट किया जाने वाले आउटपुट्स पर आने वाली स्लाइड्स में चर्चा की गई है। पहले हम ऑर्थोमोसाइक के बारे में समझेंगे। ऑर्थोमोसाइक एक बड़ी हाई रेजोल्यूशन मैप क्वालिटी चित्र है जो ऑर्थोफोटोस नामक कई छोटी इमेजेस को जोड़ती है। आईबीएम को पट्टे की सीमा की ऑर्थोमोसाइक सबमिट करना अनिवार्य है। लीस्ट सीमा के ऑर्थोमोसाइक में 100 मीटर बफर जोन भी शामिल होना चाहिए। बफर जोन को परिस्थिति संरक्षण करने और उसमें किसी एक्सकवेशन का पता लगाना के लिए शामिल किया गया है। डेटा जीओटी फॉर्मेट में आईबीएम को सबमिट करना पड़ेगा। यह ऑर्थोमोसाइक का एक उदाहरण है। मैं इसे क्यूजिस में खोलूंगा। यह 100 मीटर रिलीज सीमा के साथ ऑर्थोमोसाइक फाइल है। प्रॉपर्टी से हम पता कर सकते हैं कि यह जीओटी फॉर्मेट में है कि नहीं। आपको यह जरूर करना होगा कि जीएसडी 5 सेंटीमीटर पर पिक्सल से कम या उसके बराबर हो। जीएसडी आपके चित्र इंच या सेंटीमीटर या मिलीमीटर में मैप गए सक्सेसिव पिक्सल के दो सेंटर्स के बीच की दूरी है। एक ड्रोन 5 सेंटीमीटर जीएसडी के साथ मैप सकता है। इसका मतलब ये है कि आपके मैप पर प्रति पिक्सल दुनिया में असली जगह के 5 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है। इसमें 5 सेंटीमीटर का जीएसडी है। यहाँ सक्सेसिव पिक्सल के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। इसमें 10 सेंटीमीटर का जीएसडी है। यहाँ सक्सेसिव पिक्सल के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। अब हम डिजिटल एलिवेशन मॉडल के बारे में समझेंगे। डिजिटल एलिवेशन मॉडल पृथ्वी की सतह के टेरेन की ऊंचाई का 3D रिप्रेजेंटेशन है। डिजिटल सरफेस मॉडल डिजिटल एलिवेशन मॉडल का एक सबसेट है और ये इमारतों, पेड़ों जैसे सभी वस्तुओं सहित पृथ्वी की सतह से मिलकर बना है। डिजिटल टेरेन मॉडल भी डिजिटल एलिवेशन मॉडल का एक सबसेट है और ये इमारतों, पेड़ों जैसी वस्तुओं को छोड़कर पृथ्वी की सतह से बना है। आईबीएम को सबमिट करते समय जांच करना है कि डीएसएम और डीटीएम जीओटी फॉर्मेट में है। यह डीएसएम है और यह डीटीएम है। डिजिटल एलिवेशन मॉडल का रेजोल्यूशन 15 सेंटीमीटर पर पिक्सल से कम या इसके बराबर होना चाहिए। जीसीपी पृथ्वी की सतह पर बिंदु है
जो रास्टर डेटा जैसे सैटेलाइट, हवाई या ड्रोन इमेजरी को जियो रेफरेंस करने में मदद करते हैं। आईबीएम को जीसीपी डेटा शेप फाइल और एक्सेल फॉर्मेट में सबमिट करना पड़ेगा। ये पीले बिंदु जीसीपी है। आप देख सकते हैं कि जीसीपी WGS84 डाटा में ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में है और पॉइंट्स शेप फाइल फॉर्मेट में है। RMSE का उपयोग दो वैल्यूज या डेटा सेट के बीच की दूरी को मापने के लिए किया जाता है। यहाँ पहला डेटा सेट समीन में जीसीपी पॉइंट से प्राप्त एरर वैल्यू है और दूसरा डेटा सेट फोटोग्रामेट्री सॉफ्टवेयर में प्रोसेसिंग के बाद प्राप्त एरर है। किसी भी फोटोग्रामेट्री सॉफ्टवेयर की मदद से हम एक डिटेल्ड जीसीपी रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। यह जीसीपी रिपोर्ट है। मैंने सर्वेयन जियो एक्सपेस का उपयोग करके जीसीपी रिपोर्ट तैयार किया है। यहाँ आप जीसीपी संख्या, लेबल और प्रति जीसीपी की एक्स वाई जेड एरर्स देख सकते हैं। ये जीसीपी का टोटल आरएमएसई है। आरएमएसई रिपोर्ट आईबीएम को डॉट टीएक्सटी या डॉट डॉक फॉर्मेट में सबमिट करना पड़ेगा। लस्सी को असली एक्सकवेशन, मिनरल स्टोरेज, सबग्रेड डंप, वेस्ट डंप, अफोरेस्टेशन, बैकफिल्ड रिक्लेम्ड और रिहैबिलिटेड एरिया का एरिया दिखाते हुए खनन पट्टे को मैप आईबीएम को सबमिट करना पड़ेगा। आईबीएम को डेटा यूटीएम प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में और शेप फाइल फॉर्मेट में सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ मैं आपको डंप और बैकफिल्ड एरिया का एक उदाहरण दिखाऊंगा। यहाँ मैं QGIS में डंप और बैकफिल्ड एरिया दोनों को खोल रहा हूँ। यह डंप है और यह उसी डंप का 3D दृश्य है। यह QGIS सॉफ्टवेयर में दाई और दिखाए गए 3D दृश्य है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यह शेप फाइल फॉर्मेट में है और यह UTM जोन 43N में है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैंने सर्वेयान जियो वर्कस्पेस का उपयोग करके शेप फाइल तैयार किया। पहले हम मेजरमेंट टूल्स पर जाना पड़ेगा और एरिया टूल पर क्लिक करना पड़ेगा। अब हमें एरिया को मार्क करना है। यह डंप है और मैं इस डंप को मार्क कर रहा हूँ। मार्क करने के बाद डबल क्लिक कर दीजिए और नाम दे दीजिए। फिर मेजरमेंट को सेव करना पड़ेगा। इसी तरह मैं दूसरे एरिया को मार्क कर रहा हूँ। इसे नाम देने के बाद हम एरिया को सेव कर सकते हैं। सेव किया गया मेजरमेंट्स यहाँ दिखाई देगा। उस पर क्लिक कर दीजिए और फिर शेप फाइल और DXF को डाउनलोड करने के लिए DXF SHP बटन पर क्लिक कर दीजिए। इस तरह से हम
सर्वेयान जियो वर्कस्पेस से शेप फाइल इंपोर्ट करते हैं। बाउंड्री पिलर खनन सीमा की पहचान करने में मदद करते हैं और अतिक्रमण को रोकने में मदद करते हैं। पिलर्स को अन्य संख्याओं के साथ मार्क किया गया है। डीजीपीएस की मदद से पिलर्स के कोऑर्डिनेट्स नोट किए जाते हैं। बाउंड्री पिलर डेटा आईबीएम को शेप फाइल और एक्सेल में ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम और प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम दोनों में सबमिट करना ज़रूरी है। लाल बिंदु बाउंड्री पिलर्स की जगह दिखाते हैं। यहाँ पॉइंट्स शेप फाइल फॉर्मेट में है और यूटीएम प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। ड्रोन सर्वे लॉगशीट में एयर स्पेस मैप, हवा की गति आदि जैसी सामान्य जांच और फ्लाइट लॉगशीट भी शामिल होती है। फ्लाइट लॉगशीट में फ्लाइट की तारीख, स्थान और समय सहित प्रति फ्लाइट की जानकारी होती है। आप अपने प्रोजेक्ट के अनुसार ड्रोन सर्वे शीट में डेटा एंटर कर सकते हैं। ड्रोन सर्वे लॉगशीट आईबीएम को डॉट डॉक फॉर्मेट में सबमिट करना पड़ेगा। यह एक सामान्य लॉगशीट की तरह है और आईबीएम ने इसके लिए कोई मानक फॉर्मेट समझाना नहीं किया है। ड्रोन सर्वे के लिए प्रोसेस डेटा आउटपुट केबल स्टोरेज मीडिया दैट इज एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में हर साल 1 जुलाई को या उससे पहले आउटपुट डेटा सबमिशन फॉर्म के साथ ये पतों पर सबमिट किया जाना पड़ेगा। यह आउटपुट डेटा सबमिशन फॉर्म का एक उदाहरण है और आप अपने प्रोजेक्ट के अनुसार विवरण बदल सकते हैं। अब हम एक क्विक रिकैप लेते हैं। पहले हमने इस पर चर्चा की कि ऑर्थोमोसाइक कैसे सबमिट किया जाए, उसके बाद डिजिटल एलिवेशन मॉडल, आरएमएसए डेटा, कब और कहाँ डेटा सबमिट किया जाता है और अंत में बाउंड्री पिलर पर डिस्कस किया। हम अब इस वीडियो के अंत तक पहुँच चुके हैं। अगर आप हमारे वीडियो पहला बार देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। हम नए नए वीडियोस वीकली अपलोड करते हैं। बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस मिस ना हो जाएं। वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद।